आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि डॉक्टर्स आपको खुल के नहीं बताते हैं। कुछ ऐसी बातें जो कि पति पत्नी के बीच में होनी चाहिए, जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो कुछ छोटी छोटी बातों का भी अगर आप ध्यान रखते हैं तो उससे भी आपकी प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव होती है। विदाउट टाइम वेस्ट आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माई वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत है। रिलेशन प्लान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी प्रेगनेंसी को प्लानिंग करने के लिए। जितने भी घरेलू उपाय अगर आप कर लीजिए, बहुत सारे जो भर महीने अगर आपने बहुत सारी चीज़ों को फॉलो किया है, चाहे वो देसी नुस्खा हो या आयुर्वेदिक नुस्खा हो या यूनानी नुस्खा हो, कोई भी चीज़ें हैं, लेकिन फर्टाइल डेज़ को आपको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महिलाओं की मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है उसके हिसाब से आप फर्टाइल डेज़ को निकालिए और अब उसी के हिसाब से ही आपको प्रेगनेंसी की प्लानिंग करनी है। उसी टाइम पर आपको रिलेशन ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। अब आजकल की लाइफ स्टाइल होती क्या है कि रिलेशन मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, बहुत ही थका होता है एक इंसान, बहुत ज़्यादा फटीक के कारण भी या फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो आपको इंटरेस्ट बना के ज़रूरी है कि आप अपने दोनों के बीच में आप इंटरेस्ट ज़रूर बनाइए, क्योंकि जितना पति और पत्नी के बीच में इंटरेस्ट अच्छा होगा, प्यार अच्छा होगा, उतना आपके कंसीव होने के भी चांसेस होंगे। क्योंकि आजकल की जो सिनेरियो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मन के विचार नहीं मिल रहे हैं और आपकी जो एक ट्रैक पे जो जानी चाहिए थी साइकिल वो ट्रैक पे नहीं जाती है और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। आपकी पर्सनल लाइफ अगर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है तो सारे काम छोड़ के अपने पर्सनल लाइफ को भी बेहतर बनाने की कोशिश करिए। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करिए, एक दूसरे को प्यार करिए, फिर आप देखिएगा कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनेंगे। क्योंकि प्रेगनेंसी को अगर आपने सही टाइमिंग पे प्लानिंग किया, जैसे कि फर्टाइल डेज पे आपने रिलेशन रखा, तो रिलेशन के बाद भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब होता क्या है कि कुछ टाइमिंग आपको ज़रूर देना चाहिए कि रिलेशन के दौरान आपको समय का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। अब जैसे जब आपका रिलेशन प्लान होके हो जाता है तो आपको तुरंत से उठ करके वॉशरूम वगैरह में नहीं जाना चाहिए, तुरंत से मुँह फेर कर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उससे भी बहुत हद तक जो पति पत्नी के बीच का जो मन मुटाव है वो बढ़ता है। कोशिश ये करिए कि उसके बाद भी आप दोनों बहुत अच्छी तरह से एक हेल्दी कन्वर्सेशन ज़रूर हो। अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो लेग अप द वॉल पोजीशन आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। लेग अप द वॉल पोजीशन क्या होती है उसके बारे में आज एक ब्रीफ नॉलेज मैं आपको देना चाहती हूँ। रिलेशन जब भी अगर आपका प्लान हो जाता है उसके बाद आपको किसी ऊँचे जगह पर, चाहे वो आपका बेड का ही कॉर्नर क्यों ना हो सकता है, चाहे वो आपका एक हेवी स्टूल क्यों ना हो सकता है, या फिर दीवार के सहारे आपको पैर को ज़रूर खड़ा करके आपको रखना है, जैसा कि इस पिक्चर में शो हुआ है। उससे होता क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम का एक्सपोज़र मिलता है और वो आपकी प्रेग्नेंट होने के चांसेस को काफ़ी ज़्यादा गुना बढ़ा देती है, ये चीज़ें लेग अप द वॉल पोजिशन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप हाइजीन को मेंटेन करते हैं और वॉशरूम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत उठ के आपको वॉशरूम नहीं जाना चाहिए। करीब आपको 10 से 20 मिनट का समय ज़रूर देना चाहिए, हो सके तो आधे घंटे का भी समय दे सकते हैं, उससे कोई भी आपको नुकसान या कोई ऐसे खतरे वाली चीज़ें नहीं होगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट के एरिया में कोई इन्फेक्शन नहीं है, अगर आप पूरी तरह से क्लीन हैं तो आप कुछ देर तक वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो इन्फेक्शन के लिए आप कोशिश ये करिए कि अपने प्राइवेट पार्ट के जो अंग होते हैं वहाँ पर आपको कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिसे चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, जिससे कि वो अपने प्राइवेट अंगों की अगर साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, वहाँ की जो हाइजीन को अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग करना चाहते हैं तो तुरंत से आपको वॉशरूम नहीं जाना चाहिए, आपको करीब आधे घंटे का समय ज़रूर लेना चाहिए। ये तो रही दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़। अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि क्या टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जी नहीं, टाइमिंग का इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं करता है कि आप कितना समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मेल के सेल्स हैं वो हेल्दी क्वालिटी के हों और जो फीमेल एग है वो भी सही टाइम पर रिलीज़ हो और उनकी साइज़ भी परफेक्ट हो, यानी कि इन शॉर्ट उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर महिलाओं की जो अंडे की क्वालिटी है वो अगर बेहतर होगी, पुरुष की जो सेल्स हैं वो अच्छे होंगे, तो फर्टिलाइजेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है।
और आपको ये बेबी जल्दी से जल्दी कंसीव हो सकता है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे लाइफ स्टाइल में बदलाव आ रही है, वैसे वैसे आपकी जो अंडे की क्वालिटी है वो कमज़ोर हो रही है, ख़राब हो रही है। जो मेल है उनके भी सेल्स की गुणवत्ता कम हो रही है। तो ऐसे केस में मैं एक वीडियो की लिंक यहाँ पर आपको ड्रॉप कर रही हूँ, जिससे कि आप अपने अंडे की क्वालिटी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, पूरे महीने आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो वीडियो की लिंक मैं एंड स्क्रीन पर यहाँ पर ड्रॉप कर रही हूँ, जिसको देखना आपको नहीं भूलना है। अगर आप डेली बेसिस पर इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं तो डेफिनेटली आपकी अंडे की क्वालिटी बेहतर बनेगी, और अंडे की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए आपकी डाइट जितना ज़रूरी है उतना आपकी पॉजिटिव सोच भी ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें अपने साथ रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रेगनेंसी को प्लान करिए, और साथ ही साथ ज़रूरी है कि आप अपने अगर फर्टिलिटी एज में हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे जैसे अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो यथाशीघ्र आपको डॉक्टर से भी मिलने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि एक साल से ज़्यादा हो गया है अब फिर भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ऐसे केस में अगर आप मेडिकल हेल्प लेते हैं तो ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा, और आपकी प्रेगनेंसी को जल्दी से जल्दी कंसीव करने का सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि उन डॉक्टर का भी मकसद रहेगा कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव हो। तो अपने इस फर्टाइल एज का भी ध्यान रखें और साथ ही साथ लाइफ स्टाइल का भी ध्यान रखें। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारियाँ मिली हैं, जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।